आज की क्लास स्पेशल है पैराग्राफ ऑप्शन के ऊपर। जितने इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं आज हम उनका यूज करना सीखेंगे। बिल्कुल बेहतरीन क्लास है आज की भी। सबसे पहले मेरे पास कोई लिस्ट हमें दे दी गई है बनाने के लिए, कोई लिस्ट दी गई है, कोई आइटम के प्रकार हैं, कोई प्रोडक्ट के प्रकार हैं। हमने क्या करा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को राइट करा, बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज बढ़ा दिया इसका, ठीक है, ताकि ध्यान आकर्षित हो इस पर। मेन लिस्ट तो यही है, क्योंकि हेडिंग हमेशा जो लिस्ट होती है उसका साइज बड़ा ही होता है। हमें इसकी लिस्ट बनानी है ताकि इसको हम बुलेट्स दे पाएं। अब देखो कितना ये भद्दा सा लग रहा है देखने में, तो इसको हम बुलेट्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंबल बुलेट की। सिंबल तो जानते हो ना, सिंबल क्या होते हैं, प्लस माइनस डॉट बुलेट, ये सिंबल ही होते हैं। सिलेक्ट कर लीजिए इसे, पहले क्या करेंगे इसे सिलेक्ट करना होगा मुझे। और यहाँ पहला जो बुलेट का, तीन प्रकार की बुलेट्स होती हैं इसमें, नंबर बुलेट, सिंबल बुलेट, तो बुलेट्स आ रही हैं ये सिंबल टाइप की होंगी। ये क्या है आपकी, ये नंबरिंग्स हैं, ये मल्टीपल लेवल लिस्ट बुलेट्स हैं, ये भी सिखाऊंगा। पहले इस पर क्लिक करेंगे, अब देखो बहुत सारे सिंबल आ रहे हैं। सिंबल बुलेट्स में आप लैपटॉप का यूज कर सकते हो, आप ये फिंगर वाला देखो एरो आ रहा है, ये बेल का यूज कर सकते हो। यहाँ जो हमें दे रखे हैं ये बुलेट्स ही तो है हमारे, देखो लिस्ट बन रही है, नीचे आ रहे हैं। अधिकतर आपने देखा होगा या तो ये मिलता है आपको सिंबल के अंदर, या फिर आपको ये मिलेगा, या फिर ये मिलता है, ये चार पांच कॉमन होते हैं, डॉट बुलेट, स्क्वायर बुलेट, ये अलग सिंबल है इसमें, एरो वाला बुलेट है राइट तरफ, और ये राइट टिक वाला बुलेट, जैसे हम चेक लगा देते हैं ये उसके लिए। हम बात करते हैं पहले डॉट बुलेट की, ठीक है। अब डॉट बुलेट हमारा अप्लाई हो गया है। अब मान लो मैं इसके बीच में, मुझे कोई आइटम इसके नीचे मैं एंटर करना भूल गए हैं, तो यहाँ पर नीचे एंटर कर दीजिए। जैसे मैंने एंटर करा तो क्या हुआ, एक बुलेट अपने आप आ गया, नहीं आ गया इसके अंदर, ऑटोमेटिक आ गया है। तो इसमें हम एक कंप्यूटर राइट करेंगे, मैन इसमें लिखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। मान लो एक टाइप रह गया है इसमें, क्या लिख दिया हमने माइक्रो, तो बुलेट अपना बन रहा नहीं बन रहा, एंटर करने से अपना आप जनरेट होगा ये, और एंटर करने से हटेगा भी ये, बैक स्पेस कर दो, एंटर करने से ब्लड जनरेट भी होगा, एंटर करने से ब्लड हट भी जाएगा, ये भी ध्यान देना है। दो तरीके हैं हटाने के, अगर गलती से एंटर हो गया ब्लड्स आ गया है तो बैक स्पेस की कर दो बार प्रेस, एक दो तीन, को पूरा जो गैप आ गया उसको भी तो मेंटेन करना होगा, तो बैक स्पेस काम करेगा। या तो दो बार एंटर फिर बैक स्पेस की, एंटर बैक स्पेस, और फिर यहाँ पर बैक स्पेस कर देना, वापस ब्लड हट जाएगा। अब नीचे ब्लड्स चाहिए मुझे, मैं नीचे आऊँगा और मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया कीबोर्ड, ये हमने यहाँ पे कंप्यूटर राइट कर दिया, लैपटॉप, एंटर करिए लिस्ट अपना बन रही है नीचे, और एंटर कर दी हट जाएगी लिस्ट, ब्लड्स अपना गायब। अब मान लो इसकी जगह में कोई और ब्लड्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे हम कर लेंगे सेलेक्ट, यहाँ और ब्लड्स हैं अभी, सेलेक्ट तो ऑलरेडी हुआ है, जैसे अनाउंसमेंट ब्लड चाहिए, ये वाला ब्लड्स मुझे चाहिए, आप इसे ले लीजिए। हाँ, हो सकता है कि पहले पाँच पे अलग ब्लड्स चाहिए सिंबल वाला, दूसरे पे अलग, तो पहले पाँच सेलेक्ट कीजिए, ये एरो आ गया, बाकी पे हमने ये सेलेक्ट किया, बाकी पे अलग अलग सेलेक्ट करके अलग अलग ब्लड्स भी अप्लाई कर सकते हो, इमोजी लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। अब मान लो ये ब्लड्स, इसके अलावा और चाहिए ब्लड्स मुझे, बहुत सारे चाहिए, ये तो कुछ गिने चुने दे रखे हैं हमें, सेलेक्ट करेंगे। अब देखना नए सिंबल कहाँ से बनाओगे, नए ब्लड्स कहाँ से बनाओगे, आप खुद से बना दोगे। यहाँ ना डिफाइन न्यू ब्लड्स पे आना, और यहाँ आपको क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमें कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, और वो ऑप्शन हमें जो दे रखे हैं वो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे सिंबल बुलेट्स है, पहला क्या है, सिंबल बुलेट्स है। अब सिंबल बुलेट में देखो दुनिया भर के सिंबल आपके यहाँ दिए हुए हैं, अब यहाँ पर ये डेंजरस वाला यूज कर सकते हो, या कोई जलती हुई चीज़ के लिए आप यूज कर सकते हैं, कोई होम बनाना है, कोई इमोजी आपको लेना, मैंने यहाँ से कहा टेलीफोन का मैंने जो है वो सिंबल ले लिया है, या फिर आइकन ले लेते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ये सिंबल ब्लड्स अप्लाई, सिंबल ही तो है एक प्रकार का। हमने क्या करा, फिर सेलेक्ट करा, दोबारा देखिए इधर आएंगे डिफाइनेबल, अधिकतर आपको यही यूज में आएंगे सिंबल्स के अंदर। और यहाँ ना विंगडिंग्स होता है, ध्यान देना, विंगडिंग्स या विंगडिंग्स टू में मिलेंगे आपको सिंबल, बाकी नहीं मिलेंगे कहीं भी। विंगडिंग्स टू पर क्लिक करेंगे, इसमें इस प्रकार के सिंबल आपको मिल जाएंगे, ये देखिए राइट टिक के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, ये सिंबल है इसमें एक प्रकार का, आप वॉच का सिंबल यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे राइट टिक बॉक्स में हूँ, और इस तरह से, या आपको यहाँ पे देखो नीचे और भी दे रखे हैं ऑप्शन है, पक्षी का यहाँ पे ये यूज कर सकते हो, इस चिड़ी का जो ऑप्शन दिखा रहा है ये यूज कर सकते हो, कोई मैन का आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से दे रखे हैं पहले से बने, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये राइट टिक वाला, और उसको ओके करेंगे तो ये अपना आप बन के आ जाएगा, और जब एंटर करोगे तो ब्रश अपना आप बनेगा, एंटर कर दी दोबारा आ जाएगा फिर से। तो ये है
नए ब्लड्स आप कैसे जनरेट करेंगे, तो इसमें जो नहीं है उसके लिए, वैसे कॉमन तो आपको जो बाहर दे रखे हैं ना लिस्ट में वही काम आ जाएंगे, अधिकतर आपको यही काम आएंगे, ये वाला डॉट, ये वाला या राइटिक वाला और ये वाला, ये ब्लड्स आपको नॉर्मली रेटल लाइफ में काम आएंगे। अब इसमें है इसी के अंदर पिक्चर ब्लड्स होता है, इसके अंदर क्या है हमारा पिक्चर ब्लड्स है, डिफाइन पिक्चर ब्लड्स। अब यहाँ पिक्चर ब्लड्स इसमें सिस्टम पहले से होती है, ये देखो जैसे ये एरो लेना है, ये पिक्चर लेनी है, ये सिंबल ही है एक प्रकार के, ओपन कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ये मतलब बाहर नहीं दे रखे हैं आपको ना, यहाँ जाके अंदर डिफाइन न्यू पिक्चर में जाके आपको ना सेलेक्ट करने होंगे। मान लो कोई आपका खुद का कोई सिंबल है तो आप ना उसे इम्पोर्ट करा सकते हो, इम्पोर्ट माने कोई चीज़ कहीं से लेना, इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे अब सिस्टम में आप जाइए, जैसे मैं अपने सिस्टम पर डेस्कटॉप पर, मेरे पास यहाँ टेलीनाम का फोल्डर है, उसमें क्या है यहाँ बहुत सारे फोल्डर हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया एडवांस एक्सेल के लोगों पर, इस पर इसको ओके कर दीजिए तो ये दोबारा पिक्चर पर आएंगे, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे दोबारा ऐड, आप देखेंगे ये सिंबल यहाँ आ गया नहीं आ गया। तो हमारे पास टेक्निक से पिक्चर करंट वाला कौन सा, सिंबल ही साइड में कहाँ है, ये वाला कुछ नहीं है, ये पेस्ट के लिए होता है, एस्केप कर दो हट जाएगा, ये एस्केप कर दो, ये जो एरो दिख रहा है वो हट जाएगा अपने आप ही, कंट्रोल जेड से मैं बैक कर देता हूँ ये एरो ब्लड से। अब मान लो मुझे जो लिस्ट बनानी है वो मैं अगली टाइप बना देता हूँ, मैंने नीचे राइट करा, मुझे यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में राइट करना है, टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, और हमने क्या करा इसे सेलेक्ट करेंगे, कल समझाया था बोल्ड कर देंगे क्योंकि मेन है ये हेडिंग, कंट्रोल जेड से बैक करो इसको सेलेक्ट कर लो, सिर्फ बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन दे देंगे और थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। अब जब मैं नीचे लिखूंगा तो यहाँ पे देखना, अब मैंने आप क्या करा इनपुट डिवाइस में क्या है मेरा, जैसे कीबोर्ड है पहला, हमने क्या यहाँ पे कीबोर्ड राइट कर दिया, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, लाइट पेन है, वेब कैमरा है आपका, वेब कैम जिसे आप बोलते हैं, आपका हेडफोन है, आपका बार कोड रीडर है जो बार को पढ़ लेता है रीडर, जिससे हम प्राइस पता लगाते हैं, वो इनपुट का एग्जांपल ही है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम कर लेंगे सेलेक्ट, और यहाँ ऑप्शन दिया होता है नंबर ब्लड्स, कौन सी लेनी है नंबर ब्लड बने हुए हैं, 1 2 3 ABC अल्फाबेट नंबर्स देने हैं, या इस तरह का नंबर फॉर्मेट मुझे चाहिए है ना, फॉर्मेट अलग अलग प्रकार के जो हमें देना है यहाँ से यूज कर लेंगे, इसमें से तो उसमें जीरो आ रहा है, आ गया जीरो वाला लेना, तो इस थर्ड सेकंड लेना तो यहाँ से आ जाएगा, ये हर कंप्यूटर में पहले से दिए होंगे आपको, एंटर कर दीजिए। जैसे मैं एंटर करूँगा तो 10 नंबर, जैसे मुझे 9 नंबर का इनपुट डिवाइस के बारे में राइट करना है इधर, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो 9 नंबर है वो भी हम यहाँ पे राइट कर देंगे, जैसे कि हमारा टच पैड होता है, अब टच पैड लैपटॉप में दिया होता है ये भी इनपुट का काम ही करता है, एंटर करेंगे 10 नंबर आ गया, तो एक हमारे पास क्या टच स्क्रीन होती है वो भी इनपुट का ही काम करती है आपकी, टच स्क्रीन, तो एंटर कीजिए, हटाने के लिए दोबारा एंटर कर दीजिए, ब्लड यहाँ से फिर से हट जाएगा। तो ये है नंबर ब्लड बनाने का हमारे पास तरीका, कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पे नंबर ब्लड जो हम जनरेट यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आता हूँ नीचे आउटपुट डिवाइस, टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, तो इसे थोड़ा नीचे लेंगे तो क्या करेंगे, सामने क्लिक करेंगे एंटर कर देंगे, नीचे आ जाएगा ये हेडिंग, और इसको हम क्या करेंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट पेंटर पे जाएंगे तो इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, तो इसकी तरह ये इसको बना देगा अपनी तरह, हेडिंग अप्लाई कर देगा इस पर। अब हम आउटपुट की बात करते हैं, अब आउटपुट डिवाइस हमारे क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। पहला आपका होता है स्पीकर, स्पीकर है, दूसरा मॉनिटर, जिससे आप क्लास ले रहे हो ये मॉनिटर आपके सामने आउटपुट का ही काम कर रहा है, प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी वो हार्ड में कन्वर्ट कर देता है, प्रोजेक्टर जिस पर आप स्क्रीन क्लास वगैरह लेते हैं वो आपका प्रोजेक्टर काम आता है, प्लॉटर होता है, प्लॉटर भी एक प्रिंटर की तरह इमेज को जनरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, प्लॉटर भी हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल। अब मुझे क्या करना है, इनको मुझे ब्लड्स नंबर देने हैं भाई, कितने लिस्ट मेरे पास है, लिस्ट हमारी बन चुकी है, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से मैंने इस बार क्या करा, ये वाले ब्लड्स मैंने अप्लाई कर दिए। अगर आपको इसके अलावा और नंबर का फॉर्मेट दूसरा चाहिए, नंबरिंग का फॉर्मेट दूसरा चाहिए, तो यहाँ इधर आएंगे और यहाँ पे चेंज न्यू डिफाइन फॉर्मेट हमें मिलेगा इधर, और आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे अन्य ऑप्शन हमें दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हो, इसमें नीचे आओगे एरो से
तो यहाँ पे देखिए ये हिंदी वाले भी हमें दे रखे हैं, AI दे रखे हैं, कह गए आपको दे रखे हैं, हिंदी की गिनती दे रखी है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ओके कर दीजिए तो हिंदी गिनती यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से जब आपको अन्य नंबरिंग चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज हो आप ज़्यादा यूज करना, वैसे तो बेसिकली हम यही यूज करते हैं रिसेंटली, इसके अलावा यूज होता भी नहीं है भविष्य में हमारे में। और जब हम डिफाइन पे कर देंगे तो न्यू आपका यहाँ पे नए नए और तरीके हैं, अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लीजिए तो वही जो फॉर्मेट है आपके इस पे बनता हुआ चलेगा। आप एंटर करेंगे तो अगला नंबर जो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाता है। बुलेट्स का सबसे बड़ा फायदा ही हमें ये, जैसे आप एंटर करेंगे तो अगला बुलेट अपना बन के रेडी हो जाएगा, हटाना है तो बैक स्पेस कर दीजिए वो हट जाएगा। ये हमारा हो गया नंबर बुलेट का। पहला क्या था, सिंबल बुलेट। दूसरा हमने देखा नंबर के अलग अलग तरीके, अलग अलग फॉर्मेट्स। अब आते हैं मल्टीपल लिस्ट बुलेट क्या होती है। अब मल्टीपल लिस्ट किस लिए काम आती है, मैंने यहाँ पे राइट किया, मेरे पास एक एग्जाम्पल मुझे ध्यान है, मैंने देखा यहाँ पे राइट कर देता हूँ, टाइप ऑफ प्रिंटर हमने यहाँ पे राइट किया, टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर आपके जो मार्केट में अब जो आ रहे हैं, एक तो आपका आ रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर, पहला टाइप ये है। दूसरा टाइप है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे जो एरर आया है मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे ना माइनस लगा होता है। तो अब मैंने क्या करा, इसको मैं नीचे पेज पे ले आता हूँ एंटर की का प्रयोग करके, और मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर दूंगा और इसे अंडरलाइन अप्लाई कर दूंगा, थोड़ा साइज में इसका बढ़ा देता हूँ। और आप इसका फॉन्ट यदि चेंज करना चाहें तो यहाँ आके आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेलेक्ट है, कल हमने एक क्लास ली है इसको। अब देखना मैं इनके सब बुलेट्स मल्टीपल लेवल बुलेट्स कैसे बनते हैं वो सीखिए। अब इसके लिए तीसरा ऑप्शन है, इस पर हमें आना, ये वाला जो ऑप्शन दिखा रखा है इस पर क्लिक करना, बाकी आपको यूज नहीं करने, अभी जो मैं कर रहा हूँ बस वही चलाना है इसमें से, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 आ रहा है और 1.1 आ रहा है, परंतु ये मुझे 1 बनाने, ये बनाना है 1, ये बनाना है 2। तो इस पर आने के लिए इसे 1 में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ एक ऑप्शन है इंडेंट डिक्रीज, इस पर क्लिक कर दीजिए 1 बन जाएगा। इसके सामने आ क्लिक करेंगे डिक्रीज कर दीजिए, इसे भी ये 2 आ गया। अब इसका पार्ट बनाओ, मैं एंटर करूंगा तो अगला नंबर आ जाएगा 2। अब नॉन इम्पैक्ट के जो पार्ट होते हैं ना, जैसे लिखते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरीके से नॉन इम्पैक्ट में आप कह जाएंगे, जैसे कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर आपका है, आपका डॉट मैट्रिक ड्रम प्रिंटर होता है आपका नॉन इम्पैक्ट के अंदर ही, ड्रम प्रिंटर। आपका लाइन प्रिंटर होता है इसके अंदर, ये इसके प्रकार हो गए। परंतु मुझे ना इसके क्या करने, ये इसके पार्ट बनाने हैं भाई। ये तो मेन इम्पैक्ट तो ये हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर, अब इम्पैक्ट प्रिंटर के क्या हो गए, हमें इसके ये पार्ट बनाने हैं। अब देखना हम पार्ट कैसे बना देंगे। तो हमने क्या करा, इनको हम कर लेंगे सेलेक्ट, ध्यान देना इस पे सेलेक्ट कीजिए। दो तरीके हैं इसे इसका पार्ट बनाने के, आप यहाँ से टैब की प्रेस कर दो, कीबोर्ड से टैब कर सकते हो, या फिर इसके सामने क्लिक करके यहाँ इंक्रीमेंट इंडेंट पे क्लिक कर दीजिए, इसका पार्ट बन जाएगा। देखो ये सब हेडिंग क्रिएट करने के लिए काम आता है, ऑप्शन 1, 1 पॉइंट क्या बन गया, 1.2, 1.3। आपने ये एग्जांपल उसमें देखा होगा, मैथ की बुक में इस तरह एग्जांपल मिलते हैं, 1.1 पहला मिलेगा 1, फिर 1.1, 1.2, फिर 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2.1, 2.3, इस तरीके से आते नहीं आते ऑप्शन। अगर इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है, आपके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर उसके सब पार्ट भी हैं, तो इस तरीके से क्या हमारी बुलेट यहाँ पे जो है ये हम बुलेट्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल लेवल बुलेट्स। अब आ जाते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे, अब मुझे सेकंड भी तैयार करना, 3 पे आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एंटर 3 आ जाएगा इधर। हमने लिखा यहाँ पे लेजर प्रिंटर, लेजर आपका लेजर प्रिंटर होता है, आजकल जो आप प्रिंटिंग निकलवाते हो लेजर प्रिंटर ही होते हैं आपका अधिकतर, लेजर प्रिंटर जिसको हम कलर प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। हमें इसे क्या है पार्ट बनाना है, ये लिखना है 2.1 करना है इसे मुझे। और एक आपका होता है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो हम क्या करेंगे, मैं इनका भी इन्हें सब हेडिंग क्रिएट करूंगा इनकी, और इसको हम एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए दोनों को, ठीक है। और यहाँ पे डिक्रीमेंट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये आपके हेडिंग के अंदर क्या है, सब हेडिंग है ना क्रिएट हो चुकी हैं, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग हमने क्रिएट कर दी है। और इस तरीके से हम इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम यहाँ पे हेडिंग की भी जो सब हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्लड्स उसके अंदर ही हम क्रिएट कर सकते हैं, सेक्शन के उसके पार्ट हम बना सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड करने, क्योंकि मेन है ये, तो सिलेक्ट कर लेंगे इस पर, बोल्ड करेंगे इसे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे हम बोल्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लिस्ट बनाएंगे वर्ड के अंदर, या आपको नंबर बुलेट यूज करनी है तो नंबर बुलेट यूज कर लेना, सिंबल बुलेट यदि आपको चाहिए तो सिंबल बुलेट में ये आपका पहला ऑप्शन चलेगा, नंबरिंग देनी है तो नंबर चलेगा। और जैसे ही हम यहाँ पे टैब की प्रेस करते हैं तो देखना मैं इसका पार्ट बनाना चाहता हूँ, 1.1.1 होता है इस तरीके से भी,
आप यहाँ टैब दबा दीजिए और यहाँ पे दोबारा टैब दबाओगे तो ये 1.1.2 बन जाएगा, और जब एंटर करेंगे तो अगला ब्लड अपना आप जनरेट हो जाएगा, जितना उसे आगे करोगे ना टैब से वो उतना उसका पार्ट का पार्ट बनता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है मल्टीपल लेवल ब्लड्स वेरी आसानी से हम बहुत इजी तरीके से ना उसको हम क्या यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर पाएंगे अपने हम जो ब्लड्स हैं उसे हम आसानी से यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी लिस्ट आपके सामने आती है सिंबल ब्लड्स है तो नॉर्मल आप सिंबल ब्लड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग में आइटम आपको दिखाने, काउंटिंग में दिखाने, भाई 5, 6, 7, 9, 10 है आइटम है, प्रोडक्ट है, तो आप उसे क्या करेंगे यहाँ पे दिखा देंगे इस तरीके से। गारमेंट से कोई आइटम है होता ना एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, इस तरीके साइज के हिसाब से भी आप लिस्ट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के भी मैंने एग्जाम्पल लिए और यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट का भी हमने प्रयोग करा। अब इसका ऑप्शन देखिए नीचे वाले, ये किस काम आते हैं, ये पैराग्राफ को एडजस्ट करेंगे। पैराग्राफ राइट करने के लिए हम क्या करेंगे रैंड कमांड का हम यहाँ पे ना प्रयोग करने वाला हूँ, रैंड कमांड का। तो यहाँ पर हम इक्वल राइट करेंगे और आर एन डी रैंड, और हमने पैराग्राफ राइट कर लिया। अब इसको ध्यान से देखना इस पैराग्राफ में ना, अभी अगर मैं इसको प्रिंट निकाल दूँ इस पैराग्राफ का तो इसकी लाइन आगे से तो बिल्कुल इक्वल है, देखो यहाँ से बिल्कुल इक्वल मार्जिन है, पर पीछे से लाइन आगे पीछे हो रही है ना, पीछे से लाइनें क्या हैं आगे पीछे हैं। तो इन लाइनों को प्रोफेशनल तरीके से प्रिंट हम कैसे करें, कोई एप्लीकेशन हम राइट कर रहे हैं, कोई बुक हम बना रहे हैं, असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी सहायता करेगा ये मार्जिन को और उसके दोनों तरफ से कैसे उसको एडजस्ट करें उसमें काम आता है। मैंने कहा साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बहुत छोटा साइज हमें दिखाई दे रहा है, साइज को क्लिक कर दीजिए। तो देखो पैराग्राफ आगे से इक्वल है ना, आपकी बुक इस तरीके से होती है प्रिंट, और पीछे से इक्वल नहीं है लाइन। तो इन तीनों को अभी देखो कई बार क्या होता है, पहला ही इसमें ऑप्शन है लेफ्ट, क्योंकि मेरा कर्सर ऑलरेडी लेफ्ट राइट ही चलता है, पहले से लेफ्ट राइट चलता है वो, ये लेफ्ट अलाइनमेंट पहले से सेट होता है सिस्टम के अंदर। अलाइनमेंट आपके इसमें चार हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। अब ये जैसे ये है इसको मुझे सेंटर में लेना, तो इस पर क्लिक कर दीजिए अपना आप सेंटर में आ जाइएगा, ये जो हेडिंग है सेंटर में लेनी सेंटर में आ गई, इसको लेना सेंटर में, इसे क्लिक करेंगे सेंटर में आ जाएगी, इसको सेंटर में लेना है ये सेंटर में आ जाएगी, वापस अपनी जगह ले जाना सेंटर पर क्लिक कीजिए वापस अपनी जगह पहुंच जाएगी वो, मैं दोबारा से उसी पर क्लिक कर दीजिए वापस अपनी जगह ही आ जाएगी फिर से, ये देखिए आ रही नहीं जा रही उससे। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन का जब प्रयोग करेंगे, जब हमें किसी हेडिंग को सेंटर में लेके आना, कोई पॉइंट है उसको सेंटर में लेके आना है, जैसे आपके पैराग्राफ आपने सेंटर में भी लिखे देखे होंगे कई बार। अब मान लो ये पैराग्राफ मुझे सेंटर में करना है, अभी तो लेफ्ट साइड अलाइनमेंट है इसमें क्योंकि यहाँ टिका रहा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए, अब इस पर आ जाएगी, देखो सेंटर में आ गए नहीं आ गए। अब मैं कोई वर्ड टाइप करूंगा तो दोनों तरफ चलेगा वो, देख रहे हो ना, जब मैं यहाँ पे कोई नया वर्ड इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ तो अपने आप इसमें क्या है वो राइट हो रहा है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ये इस तरीके से क्या है हम यहाँ पे जो हम सेंटर से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, पर सेंटर में हम लिखना स्टार्ट नहीं कभी नहीं करते, वो तो हम पैराग्राफ को एडजस्ट कर लेते हैं सेंटर के अंदर, वो ये कमांड काम आएगा, ये ऑप्शन काम आएगा, आप कंट्रोल ई होता है शॉर्ट कमांड इसकी। हाँ राइट में राइट एलिमेंट देना, तो इस पर क्लिक कर दीजिए राइट में आ जाएगा पैराग्राफ। और जब लगता है कि दोनों तरफ से पैराग्राफ इक्वल हो जाए, इसके मार्जिन बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाए हमारे दोनों तरफ से, तो यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन आप देखेंगे दोनों तरफ से पैराग्राफ बिल्कुल इक्वल आ गया है मेरा। अब देखिए कितना अच्छा मेरा पैराग्राफ बिल्कुल एक डायनेमिक पैराग्राफ बन गया, प्रोफेशनल एक पैराग्राफ बन के रेडी हो गया है। तो ये ना पैराग्राफ को एडजस्ट करने के लिए ये ऑप्शन दिए होते हैं, हेडिंगों को, लाइनों को सेंटर में लेना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से लेना है। प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन से काम आते हैं आपको ये सारे ब्लड्स यूज में आते हैं, जिसको हम लिस्ट बनाएंगे तो जब लेफ्ट से तो ऑलरेडी पहले ही सेट होता है सिस्टम में, हर सिस्टम में लेफ्ट से ही चलता है कर्सर। सेंटर में करना, सेंटर में क्यों, सेंटर में हम लिस्टों को लेते हैं, कोई हेडिंग उसको सेंटर में करने के लिए आपका ऑप्शन काम आएगा। क्यों आप क्या करेंगे फिर वहाँ बार बार स्पेस टैब दबाने की जरूरत नहीं है, कोई आपने वर्ड लिखा मैंने यहाँ कंप्यूटर टाइप कर दिया, आप क्या करते हो यहाँ पे स्पेस दबाते रहते हो, ये जब सेंटर में लेके जाओगे ऐसे करते हो, शॉर्ट तरीका है सेंटर में क्लिक कर दिए सेंटर में आ जाएगा। ये हमें यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो देखा ये अलाइनमेंट आपके पैराग्राफ को एडजस्ट करने के लिए ये सारा टैब जो है ये दे रखा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने देख लिया है, अगर इस पैराग्राफ को आगे करना तो इस पर क्लिक कर दीजिए आगे हो जाएगा, वापस लाना इस पर क्लिक कर दीजिए, जबकि ये ब्लड्स में काम कर रहा था, इसके पॉइंट बनाने तो ये काम करेगा 2.1, इधर लाएंगे तो ये पॉइंट, इधर क्लिक करेंगे तो ये, इधर क्लिक करेंगे तो ये। अब आ जाओ आगे, अब इसमें अगले जो ऑप्शन है मेरे पास स्पेस को कम ज़्यादा करने के लिए, मान लो पैराग्राफ में स्पेस कम ज़्यादा देना है, लाइनों का स्पेस कम ज़्यादा करना है, सेलेक्ट कर लेंगे इसे हम, और यहाँ होम टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन है स्पेसिंग का, पहले से कितना होता है पता है 1.0 पहले से स्पेस में अप्लाई होता है, 1.5 करेंगे तो स्पेस ज़्यादा आ गया, ज़्यादा हो गया नहीं हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो 1.1
लाइन स्पेस अप्लाई कर दिया इसने, 2.0 करेंगे तो डबल लाइन स्पेस अप्लाई होगा, 2.5 और ज़्यादा स्पेस हो गया, और ज़्यादा स्पेस हो गया। जब हमें स्पेस देना है, वैसे तो नॉर्मली जब हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, कोई एप्लीकेशन राइट करते हैं, उसमें 1.0 का ही चलता है, जो डिफ़ॉल्ट पहले से सेट होता है। मान लो किसी सिस्टम में डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसे ना सेलेक्ट करके ना यहाँ से इसे आप 1.0 कर दीजिए, वो अपना आप सेट हो जाएगा। 1.0 जैसे कर दो, उससे स्पेस जो आ रहा है ना बीच में, वो अपना आप ही क्या उसे मार्जिन एडजस्ट कर लेगा। मान लो हमने यहाँ पे 2. इस तरह आ रहा है हमारे कंप्यूटर में, वो इस तरह चल रहा है, तो उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करें, और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे हमें इसे 1.0 कर दीजिए, ये स्पेस हमारा एडजस्ट इस तरीके से हो जाएगा। तो इस स्पेसिंग को क्या है, एडजस्ट करने के लिए, इस स्पेस को एडजस्ट करता है हमारा पैराग्राफ। अब मान लो मुझे इस लाइन को शेडिंग करानी है, शेडिंग देनी है, इसको हाईलाइट कराना है, कल बताया था एग्जाम्पल, तो यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन दे रखे हैं हमें, और यहाँ से आप इसे शेडिंग करा सकते हो। जैसे कलर अपना आप चेंज कर देता कई बार, तो इसको इसमें अपना आप ही वाइट आ रहा है फ्रंट का, तो यहाँ से हम जो जो शेडिंग हमें चाहिए इस पर हम शेडिंग अप्लाई करनी है। मान लो बॉर्डर भी देना है इसके नीचे, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे बॉर्डर अप्लाई करनी, एक तो यहाँ पहले से बने हुए बॉटम में नीचे आ जाएगा, पर बॉर्डर कुछ दिखाई नहीं दे रहा इफेक्ट मुझे, तो इसका ना शेडिंग बदल दीजिए, मैंने ये ले लिया, या फिर इसी जगह मैं और ले लेता हूँ। प्रोफेशनल तो वैसे ये होता है, इधर ये चलता है शेडिंग, कभी जरूरत पड़े तो आप ये यूज कर लेना, बाकी कलर आप यूज कर सकते अपने जरूरत के अनुसार। टॉप में लेना है, देखो टॉप में आ जाएगा, सॉरी इस लाइन पे क्लिक करेंगे वर्ड पे, टॉप में आ जाएगा, ये हमने बिल्कुल बंद कर दिया बॉर्डर के अंदर, कंट्रोल जेड से बैक, पर मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे चारों तरफ चाहिए बॉर्डर, तो आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, चारों तरफ से बंद होगी ये, जब एंटर करेंगे तो साइज अपना बढ़ता है इस तरीके से बॉर्डर का, कंट्रोल जेड से बैक, कंट्रोल जेड से बैक, कंट्रोल जेड से बैक। अब मुझे बॉर्डर और स्टाइल का देना है, तो यहाँ नीचे आऊँगा मैं बॉर्डर एंड शेडिंग पर, यहाँ नीचे जब क्लिक करेंगे इसे, तो यहाँ बॉर्डर दे रखें, देखो ये कितनी साइज चाहिए लाइन की, यहाँ से चूज कर लेंगे उसे हम, और नीचे क्लिक कर दीजिए इसको, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ओके कर दीजिए, तो ये इस तरह बॉर्डर आपका मिल जाएगा। जब ये बॉर्डर आपको अन्य लाइनों पर अप्लाई करना हो, तो यहाँ पे क्लिक करके ना फ्रंट पेंटर पे जाना है, और एक सेकंड में आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। देखिए फ्रंट पेंटर पे जाएंगे, ये फॉर्मेट पेंटिंग को जो फॉर्मेटिंग उसको कॉपी कर लेता है, तो जैसे हमें चाहिए वहाँ पे क्लिक कर देंगे, फ्रंट पेंटर आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए, देखो इसके अपने जैसा बना देगा, तीनों एक जैसे हो गए नहीं हो गए, तो फ्रंट पेंटर क्या कर रहा है, उसको अपने जैसा बनाने का प्रयास करता है, उसको अपने जैसा उसकी जो फॉर्मेटिंग अप्लाई है उसको दूसरे पर अप्लाई कर देता है। ये हमारे फॉर्मेट पेंटर का वर्क होता है। जैसे हमें क्या करना है, कंप्यूटर जहाँ हमारा राइट है, इसको हम सिंपल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कर देंगे, फ्रंट पेंटर पर जाएंगे, देखना ये हेडिंग हट जाएगी, सब कुछ हट जाएगा, सिंपल आगे नहीं आ गया। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पेंटर जो है यहाँ पे वर्क करेगा ऑप्शन। अब इसमें आगे देखिए, अगला इसमें जो लास्ट ऑप्शन है अब मेरे पास, वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग करना। अल्फाबेट जानते हो ना, ए वाले पहले पहला ग्राफ आएगा, फिर बी से स्टार्ट होने वाला आएगा, फिर सी से, फिर डी से, इस तरीके से। अगर मेरे पास यहाँ नंबर हैं, मैं इस पैराग्राफ को देखना सॉर्टिंग करूँगा। अभी देखना यहाँ ओ ऊपर है, वाई इधर है, टी नीचे है, इधर क्लिक करता हूँ, मैंने कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग असेंडिंग, और ओके कर दीजिए, देखना ये ओ ऊपर आ गया नहीं होगा, ओ के बाद टी आता है, फिर वाई आता है, तो पहला वर्ड लेगा पैराग्राफ का ओ वाला, फिर टी, फिर वाई, के अल्फाबेट में अरेंज कर दिया इसने, ए बी सी डी जैसे होते हैं ना सीक्वेंसली, उसमें आया है अरेंज होके, जैसे ए बी सी डी होती है उसमें ये अरेंज हो गया है पहले। अब देखो वाई तो नीचे आ रहा है ना, एक्स वाई तो बहुत नीचे होता है, एक्स वाई जेड, अब पी क्यू आर एस टी, तो इनको हमें अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ आना होगा मुझे, और इसे असेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो अल्फाबेट में अरेंज हो जाएंगे। अब देखो नंबर को कैसे करेंगे, मान लो नंबर आगे पीछे हैं, मेरे पास 23 है ये है, फिर यहाँ 10 है, कुछ नंबर फॉर्मेट दे रखा है हमें, और वो हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस में चाहिए। कई बार क्या है, जैसे हम किसी बच्चे की एंट्री कर रहे हैं, और एंट्री रोल नंबर आगे पीछे से आ रहे हैं सारे बच्चे, मैंने क्या करना, जो जो आता गया उसके एंट्री डालता चला गया मैं रोल नंबर के हिसाब से। अब ये रोल नंबर मुझे क्या है, अब सीक्वेंस में करने पड़ेंगे मुझे सारे, तो सीक्वेंस में बनाने के लिए ना इन पर सेलेक्ट कर दीजिए, इधर आ जाइए, और यहाँ नंबर का ऑप्शन दिया होगा, इसे असेंडिंग पर क्लिक करना, देखना ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में आगे नहीं आगे, एक सीक्वेंस में आगे नहीं आगे, तो यही तो मेरा सीक्वेंस मैंने यहाँ अप्लाई किया था इस पैराग्राफ के ऊपर। तो इस तरीके से जब मुझे पैराग्राफ पे लेफ्ट राइट करना है, सेंटर में लेना है, ब्लर्स अप्लाई करनी है, स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना है, आपको शेडिंग अप्लाई करनी है, डेटा को शॉर्ट करना है ए टू जेड वाइड में, या फिर नंबर से शॉर्ट करना, तो ये सारे ऑप्शन आपको पैराग्राफ को एडजस्ट करते हैं ये वाले ऑप्शन, और फॉन्ट का साइज कम ज़्यादा, सुपर स्पेस, सबस्क्रिप्ट, उसके लिए किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए ये वाला ऑप्शन काम आता है, क्लिपबोर्ड कॉपी कट पेस्ट फॉन्ट प्रिंटर के लिए काम आता है। इन हर एक ऑप्शन का होम टैब के अंदर हर एक का अलग अलग वर्क है, और वो समय आने पर ही यूज होता है। ये ऐसे ही इसमें ना ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं कि आप इन्हें
हर जगह यूज कर लेंगे। इनका देखना पड़ता है कौन से ऑप्शन की मुझे कहाँ जरूरत है, क्या यूज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करनी है, शेडिंग करनी है, ये ऑप्शन वहाँ पे काम आएगा आपको।